हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ग्लास स्किन के बारे में। ग्लास स्किन मतलब एकदम सा चमकती हुई स्किन, जिसमें ना कोई पोर्स होते हैं। स्किन एकदम सा ग्लोई दिखती है, पिंपल्स का मार्क्स, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स कुछ भी नहीं होता है। वैसे तो कोरियन लोग ग्लास स्किन पाने के लिए कई सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, पर हम लोगों की जो बिजी लाइफ है उसमें तो इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि ये सब स्टेप्स हम लोग फॉलो करें। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे होम रेमेडीज से ही एक ग्लास स्किन को अचीव कर सकती हो। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं करूंगी अपने फेस को क्लींजिंग। उसके लिए रोज़ वाटर एंड हनी को ले रही हूं। आपको ये सेम क्वांटिटी में मिक्स करना है, लगभग एक एक टीस्पून दोनों का लेना है। कटन पैड की हेल्प से मैं इसे पूरे फेस में अप्लाई करूंगी। हनी में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हनी आपके स्किन के अंदर तक जाके गंदगी को साफ तो करता ही है और स्किन को क्लींजिंग के बाद भी सॉफ्ट बनाए रखने में हेल्प करती है। वैसे ही रोज़ वाटर भी एक नेचुरल क्लींजर का काम करता है। रोज़ वाटर स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, स्किन के अंदर की गंदगी को खींच कर लेकर आता है और पोर्स को भी टाइटन करता है। तो एक मिनट तक हमें अपनी स्किन को क्लींजिंग करते रहना है और एक मिनट के बाद आपको अपने फेस को पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो गाइस, ये कितना ज़्यादा डर्ट लेकर आ गया है। सो नेक्स्ट हमें अपनी स्किन को स्क्रब करना है। इसके लिए मैं ले रही हूँ हनी एंड टोमेटो। अब ये स्क्रब कोई भी स्किन टाइप वाला यूज कर सकते हैं। इसे हम 2-3 मिनट तक स्क्रब करेंगे। वैसे तो हमें डेली स्क्रब नहीं करना चाहिए, पर हनी एंड टोमेटोज आपके स्किन को माइल्ड स्क्रब करता है, जिससे स्किन सेल्स डैमेज होने के डर नहीं होता है। टोमेटो कई सारी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करता है और ये लार्ज पोर्स को कम करने में, स्किन के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन को दूर करने में हेल्प करता है। और 2-3 मिनट स्क्रब करने के बाद आपको इसे ड्राई होने देना है। कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद नॉर्मल पानी से अपने फेस को धो लेना है। आप इसे डेली यूज़ करें, डेफिनेटली आपको अपनी स्किन में फ़र्क दिखाई देना शुरू हो जा। सो ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। अब मैं इसे ठंडे पानी से धो लूँगी। मैंने अपने फेस को धो लिया है और गाइस, फेस धोने के बाद भी मुझे ज़रा सा भी स्किन में ड्राइनेस फील नहीं हो रही है। फिर भी हमें नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, जो है मॉइस्चराइजर। आप नाइट टाइम में क्या यूज़ करते हो उसके हिसाब से आप मॉइस्चराइज कर सकते हो। कोई फेशियल ऑयल यूज़ करते हैं, क्रीम, सीरम, आप कौन सा भी लेके अच्छे से 2-3 मिनट तक मसाज कीजिए। और आपको ये रूटीन डेली फॉलो करना है। और आप पे ये कैसा काम कर रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हमेशा की तरह डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।